This question is from Kush. Maulana, what is afterlife? Why should we believe in afterlife, for which I see no proof? How do I know it exists? I want to make the most of this life, then work for afterlife. देखिए, प्रूफ की बात जो लोग करते हैं वो शायद साइंटिफिक डेवलपमेंट को नहीं जानते. ये बहुत पुरानी बात हो गई न्यूटन के ज़माने की. आज किसी बात का कोई प्रूफ नहीं है. आप एग्जिस्ट कर रहे हैं इसका भी कोई प्रूफ नहीं है. फिलासफर्स में ये बड़ी बहस चली बहुत ज़्यादा कि क्या मैं एग्जिस्ट करता हूँ. तो मालूम हुआ कि फिलासफिकली यू कैन नॉट से दैट आई एग्जिस्ट. तो डिकार्ट ने कहा था कि आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट. क्या थिंकिंग में अपने एग्जिस्टेंस को पाया उसने, जाहिर में नहीं. अब सोचिए जरा, ये कहना पड़ा उसको आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट. ये तो सब्जेक्टिव दलील है, सब्जेक्टिव आर्गुमेंट है. ये मैं सोच रहा हूँ तब मैं यकीन कर सकता हूँ कि मैं हूँ. तो मेरी सोच के बाहर मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. ये प्रूफ की बात जो लोग बोलते हैं वो जानते नहीं कि साइंटिफिक डेवलपमेंट क्या हो चुकी है. आज जो प्रूफ है साइंटिफिक प्रूफ, वो सारा का सारा बेस करता है इन्फ्लुएंस पर. तो मैं इस पर पूरा लेक्चर में दे चुका हूँ कि इन्फ्लुएंस को जब वैलिड आर्गुमेंट मान लें तो सब कुछ प्रूव हो जाता है. लेकिन अगर आप लॉजिकल पॉजिटिव से मुतासर हो, जो ख़त्म हो चुकी, लॉजिकल पॉजिटिव बात कहाँ है. अब तो सब कुछ इन्फ्लुएंस पर बेस करता है सब कुछ. तो अगर इन्फ्लुएंशियल आर्गुमेंट जब वैलिड हो चुका तो फिर सब चीज़ आप प्रूफ हो जाती है. इस बात को समझिए.